मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए दोस्तों उस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें, वो भी बिना फ्रीज के। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि बिना फ्रीज के दूध में से हम मोटी मलाई किस तरह से निकालें। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीब दूध लिया है। अब इस दूध को सबसे पहले तो हमें गर्म करने रखना है। जब भी दूध को गर्म करने रखें दोस्तों, किसी भी सूखे बर्तन में ना डालें। आप देख रहे हैं ये मेरे स्टील की छोटा सा ये जो बर्तन है बिल्कुल ड्राई है। तो जब भी दूध उबलने रखना है आपको, तो उसमें एक चम्मच पानी डाल दें। यदि बर्तन हमारा गीला रहेगा दोस्तों, तो दूध नीचे से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, उसके तले में बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से मैं हमेशा आधी छोटी चम्मच या एक चम्मच आप पानी डाल के इस बर्तन को मैं गीला कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें दूध लेती हूँ। चाहे आप दूध वाले से दूध लें या पैकेट का दूध हो, परंतु जब भी आप बर्तन में डालें तो इस तरह से गीला करके डालें। आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों, कभी भी नीचे से जलने की गंध नहीं आएगी और कभी भी दूध नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से मैंने आधा लीटर जो मिल्क लिया है वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया है और अब इसे मैं उबलने रख रही हूँ। दोस्तों वैसे तो फ्रीज सबके यहाँ होता है, परंतु कई बार स्टूडेंट लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं पढ़ने, उनके पास फ्रीज नहीं होता है। मैं उनके लिए भी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने एक मिट्टी का तसला लिया है, आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये जो पॉट लिया है मैंने। इसमें अगर आपके पास यदि हो दोस्तों तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में ठंडक होती है। और दूध को यदि हम इसमें 24 घंटे भी रखते हैं, इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखते हैं, तो दूध में पूरे समय ठंडक बनी रहती है और दूध फटता नहीं है। तो मैंने ये मिट्टी का तसला लिया है, किसी भी मटके वाले की दुकान में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा या मिट्टी के सामान की दुकान में आपको ये तसला मिल जाएगा। मात्र इसकी कीमत 25 से 30 रुपये है, पर बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। इस तरह से आप दूध को अगर इसके अंदर रखेंगे पानी कर, तो दूध आपका 1 से 2 दिन तक के खराब नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास फ्रीज नहीं है तो ये दोस्तों ये मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से दूध को उबलने रख रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। दूध को जब भी आप पकाएं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि दूध हमेशा धीमी आंच पर ही हमें उबालना चाहिए, क्योंकि यदि हम हाई फ्लेम में उबालते हैं तो दोस्तों उतनी अच्छी मलाई भी नहीं आ पाती है। धीमी आँच पर उबालें, चाहें तो आप साइड में कोई काम करते रहें। अब आप देख रहे हैं दूध में बहुत अच्छी तरह से ये उबाल आ चुका है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा उबाल लेना है दूध में, और कम से कम कोशिश करें 3 से 4 मिनट आप दूध को ज़्यादा उबालें। एक उबाल आने के बाद आप इसे फिर से 3 मिनट तक के ज़्यादा उबालें। आपको लगता होगा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दूध कम हो जाता, जी नहीं दोस्तों, 3 मिनट उबालने से दूध की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि दूध गिर ना जाए, ऐसे उबाल आ रहा है, तो आप एक चम्मच डाल दें। मैं कई बार एक चम्मच इसमें इस तरह से छोड़ देती हूँ और साइड में हम दूसरा काम भी करते रहें, ताकि चम्मच डालने से दोस्तों क्या होता है कि दूध में जो उफान आता है वो बह नहीं पाता, वो दूध हमारा गिरता नहीं है बर्तन से, और दूध धीमी आंच पे इस तरह से देखिए आप धीरे धीरे से उबल रहा है। तो इस तरह से 3 मिनट ज़्यादा उबालने से मिल्क जो होता है वो बहुत अच्छे से पॉस्चराइज्ड हो जाता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि दूध वाला भी जो दूध लेकर आता है, लाने में बर्तन की सफाई में बहुत से कुछ ना कुछ जीवाणु, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसमें आ ही जाते हैं, इसलिए दूध को हमें 3 से 4 मिनट तक के ज़्यादा उबालना चाहिए। अब आप देख रहे हैं 3 मिनट से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसी तरह से चम्मच डाल के इस दूध को उबाल लिया है। अब इस दूध में कोई भी जम्स नहीं है। आप भी दोस्तों इसे ट्राई ज़रूर करें और आप देखेंगे इस तरह से दूध उबालने से मलाई भी अच्छी मोटी निकलती है। अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, क्योंकि दूध को उबलते हुए 3-4 मिनट बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं और दूध को मैंने ठंडा होने रख दिया है। दोस्तों बिना फ्रीज के भी मलाई निकाली जा सकती है और दूध को लंबे समय तक के सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास फ्रीज होना ही जरूरी है, सबके पास फ्रीज कई बार नहीं होता है, और खासकर बच्चों के पास जो पढ़ने के लिए दूसरे शहर में आते हैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं होता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स चाह रहे थे कि मैं आपको ये बताऊँ कि बिना फ्रीज के मलाई कैसे निकालें, तो आज मैं आपको यही शो कर रही हूँ। बस आपको इस मिट्टी के तसले की ज़रूरत है दोस्तों, तो मिट्टी के तसले में मैंने इतना पानी भरा है कि मेरा ये जो बर्तन है करीब
करीब करीब पानी के अंदर डूब जाए और इस मिट्टी के बर्तन से बाहर भी ना निकले। बस आपको इसी तरह से इस दूध को रखना है। आप 1 से 2 दिन तक के दूध को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। और आप चाहें तो कोई छेद वाली ढक्कन जो होता है, चलनी होती है, आप उसे इसे ढांक दें कि कुछ कीड़े गिरने का डर ना रहे। और दोस्तों इस तरह से आप 1 दिन रख सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 दिन दूध को रखना पड़ता है तो आप इस दूध को वापस निकालें, वापस इसे बॉईल करें और ठंडा करके फिर से इस मिट्टी के तसले में रखें। तो 2 बार भी आप इस दूध को उबाल सकते हैं यदि आपको और भी ज़्यादा लंबे समय तक रखना है। और इस बर्तन को दोस्तों मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ ये जो मिट्टी का मटका रखा है, कोशिश ये करें कि ठंडी जगह पर रखें। कभी भी किचन प्लेटफॉर्म के पास इस दूध के इस मटके को, मिट्टी की जो हांडी दिख रही उसको ना रखें, नहीं तो किचन प्लेटफॉर्म पे गर्मी होती है, गैस भी हम चालू करते हैं। तो मैं इस तरह से मिट्टी के मटके के पास ही इस बर्तन को रखती हूँ ताकि इस मिट्टी की जो ठंडक है वो इसमें रहे। और वैसे भी हमने नीचे भी मिट्टी का बर्तन रखा है दोस्तों, तो मिट्टी में वैसे भी ठंडक होती है और दूध ख़राब नहीं हो पाता है। अब मैं आपको इस दूध से मलाई निकाल कर दिखा रही हूँ। 4 से 5 घंटे मैंने इसी मिट्टी की हांडी में इसे रखा है, इस बर्तन को। अब आप देखें बिना फ्रीज के भी हम मोटी मलाई निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी मलाई निकली है सिर्फ 1/2 लीटर मिल्क से। और मान लीजिए दूध फटने लगे दोस्तों, तो आप 1 पिंच इसमें सोडा डाल दें और दूध को फटने से बचा सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों।